हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ गिरनार की गोद में बसी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है रामनाथ। तो चलिए मेरे साथ रामनाथ के इस सफर का आनंद उठाने। राजकोट से रामनाथ करीब 4 घंटे का रोड सफर तय करके पहुंचा जा सकता है। रामनाथ गीर जंगल के आसपास के इलाकों में है और ठीक गिरनार की गोद में बसा हुआ है। आसपास गीर जंगल विस्तार होने के कारण यहाँ पर कई सारे शेर और तेंदुए जैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को और यहाँ आने वाले पर्यटकों को कई बार दिखाई भी देते हैं। हमें शेर या तेंदुआ तो नहीं दिखा, पर कुछ मासूम से हिरन और खूबसूरत से मोर जरूर दिखाई दिए। अब हम पहुंच गए हैं रामनाथ। यहां पर बहुत ही बड़ी तादाद में बंदर रहते हैं और हमें लग रहा है जैसे बंदर यहां पर हमारा स्वागत कर रहे हैं। इस वक्त मैं हूं रामनाथ में, जो कि गिरनार के तल में बसा एक शिव मंदिर है। रामनाथ मंदिर में जाने के लिए करीब 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कहा जाता है कि ये 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है और सालों पहले यहां पर कई सारे महान संत और महंत का वास हुआ करता था। सीढ़ियां चढ़ते ही आप आसपास की हरियाली और खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। माल सामान और खाने पीने की चीजों को आसानी से ऊपर ले जाने के लिए यहां पर यह ट्रैक बनाया गया है। ऊपर आते ही आपको सुकून का एहसास होता है और आप खुद को कुदरत के ज्यादा नजदीक महसूस करते हैं। इस मंदिर की मरम्मत का काम अभी चालू है। यहां से आप गिरनार की घाटियों और ऊंचाइयों को बखूबी देख सकते हैं। आमतौर पर यहां हर तरफ हरियाली होती है, पर इस साल की भारी गर्मियों के कारण इस वक्त यहां हर तरफ सूखा नजर आ रहा है। हालांकि बारिश की शुरुआत होते ही इस जगह का नजारा पूरी तरह से बदल जाएगा और हर तरफ हरियाली छा जाएगी। यहाँ पर एक नदी भी है, पर गर्मियों के कारण इसका पानी पूरी तरह से सूख गया है। कुछ सालों पहले तक लोग इस नदी के पानी में नहाने आया करते थे, पर यहाँ पर जंगली मगरमच्छ और पत्थरों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई जिसमें कई लोग जख्मी हुए और कुछ लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इस नदी में जाने पर पाबंदी लगा दी गई और इसके आसपास फेंसिंग लगा दी गई। अब वक्त है यहां से वापस जाने का, पर मैं बारिश शुरू होने के बाद बहुत जल्द यहां पर वापस आऊंगा ताकि मैं यहां की हरियाली, नदी और प्राकृतिक खूबसूरती को महसूस कर सकूं।
रामनाथ कैसे पहुंचे। रामनाथ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट राजकोट और पोरबंदर में स्थित है। सड़क मार्ग राजकोट से करीब 4 घंटे का और जूनागढ़ से करीब 1 घंटे का सफर तय करके रामनाथ पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग रामनाथ से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जूनागढ़ में है।